हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। सभी दलों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। नूह जिले की पुनाना विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां तकरीबन 2,05,000 के आसपास मतदाता हैं। यहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 80% है और 20% हिंदू मतदाता है। इस विधानसभा में दो शहर व कस्बे लगते हैं जिनमें पुनाना और पिनगवा शामिल है। इस समय हम मौजूद हैं पिनगवा कस्बे में, चुनावी चौपाल है, पास में पंडित जी की चाय की स्टॉल है जो काफी मशहूर है, चाय की चुस्की पर यहाँ मतदाता लगातार चर्चा करते रहते हैं। हमारे साथ पिनगवा कस्बे के और आसपास के गांव के लोग हैं, क्योंकि 20-30 गांवों के जो लोग हैं इस कस्बे से, बाजार से उनका वास्ता है, खरीदारी करने के लिए आते हैं, सुबह अपने घरों से निकलते हैं और शाम तक खरीदारी करके अपने घर लौट जाते हैं। कौशल सिंगला जी हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं, यहाँ लगातार समस्याओं को देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। कौशल जी अगर हम बात करें तो इस इलाके में क्या समस्या है? कासिम जी, समस्या बहुत है इस इलाके में। यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पर कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र ठीक नहीं है। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र हैं तो उनमें डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं है। और उम्मीद है कि अब इस बार जो सरकार बनेगी वो यहाँ पर कॉलेज भी बनवाएगी और स्वास्थ्य केंद्र हैं जो उनमें बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगी। हमारी तो जो यहाँ सरकार बनेगी उससे यही उम्मीद है। और जो यहाँ पर समस्याएं हैं वो काफी गहरी समस्याएं हैं। रोड नहीं है, रोड भी टूटे हुए हैं और ये सारी समस्याएं यहाँ में बात में है। अब नामांकन हो चुके हैं, सभी उम्मीदवार लगभग सामने हैं, आपको कौन सी पार्टी और कौन सा नेता पसंद है और क्यों पसंद करते हैं? देखो, पार्टी तो हमें बीजेपी पसंद है और हमारे बीजेपी से एजाज खान जी जो पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है, हम तो उसी के साथ हैं और उसी को जिताएंगे। और मतदाता हमारे साथ हैं, अलग अलग उम्र के मतदाता हैं, अलग अलग गांव के हैं, कस्बे के हैं। अगर बात करें तो आपको कौन सी पार्टी पसंद है, पुनाना का जो विकास नहीं हुआ है उसके पीछे क्या वजह है? वजह ये जी, सरकार, हम तो राहुल गांधी के फैन है, कांग्रेस के फैन है और हम तो यही उम्मीद करते हैं सड़क, बिजली, शिक्षा और हर चीज की सुविधा हो। वैसे अति पिछड़ा वर्ग है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, ना कोई वो होता है और हम तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी सरकार बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बने और विकास हो। पिछले 5 साल यहाँ कांग्रेस के ही विधायक रहे हैं, काम क्यों नहीं हुआ, क्या वजह मानते हैं? ये विपक्ष में बैठे, सरकार इनकी थी नहीं, यही बस आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। काम भाई कैसे करें, सरकार अपनी है नहीं, अपनी सरकार आएगी तब काम की देखेंगे। पुनाना में अगर सड़क की बात करें तो जो नगीना होडल मार्ग है उसकी हालत बद से बदतर है। सड़कों की तरफ सरकार ने, बीजेपी की सरकार 10 साल रही है, ध्यान नहीं दिया, क्या कहेंगे जनाब? यह शिक्षा, सड़क, जो भी यहाँ मेवाद में सुविधा जो जरूरत है सिर्फ चुनाव के समय पर देखते हैं। बाकी कई बार ऐसा हो चुका, 10 साल रही थी बीजेपी सरकार हरियाणा में, लेकिन दक्षिण हरियाणा का जो एरिया मेवात भूल चुके थे बिल्कुल। हर बार यहाँ हमारे लिए वोट दो, बीजेपी के लिए, कांग्रेस वाले मानते हैं, वोट ही मांगते हैं, लेकिन समय पे आने में भूल जाते हैं। बाकी कांग्रेस विपक्ष में है जी, हम खुद कांग्रेसी हैं जी, आपके कांग्रेस सब उम्मीद कर रहे हैं जी। अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मेवात के लिए यहाँ भी जो सुविधा के वादे किए हैं हर हाल में उनको पूरा करवाएंगे जी। हम कांग्रेस की तरफ वोट दे रहे हैं मेवात में। पुनाना विधानसभा क्षेत्र का जब से गठन हुआ है अगर बात करें तो यहाँ मोहम्मद इलियास और रईसा ही विधायक बनते आए हैं, क्या वजह रही है जो विकास नहीं हुआ? अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की या इंडियन नेशनल लोकदल की, जननायक जनता पार्टी की और सभी दलों के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में आ चुके हैं, आप किसको पसंद करते हैं, क्या वजह? हमारी भाजपा की सरकार बन रही है पूरे प्रदेश में और नायब सैनी के नेतृत्व में और हमारी विभिन्न योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना सभी सबको मिली है, कोई ऐसा पक्षपात नहीं हुआ और मेवात में 100% कमल खिलाएंगे। हमारे यहाँ एजाज जी को टिकट मिला है तो उनको जिता के हम विधानसभा भेजेंगे, ये कंफर्म है। क्या एजाज जी को सिर्फ शहरी मतदाता पसंद कर रहा है या गांव में भी उनको वोट मिल रहा है? नहीं, गांव में पूरी वोट मिल रही है, पूरी सपोर्ट मिल रही है, शहर भी दे रहा है, गांव भी दे रहे हैं, सब मिलके दे रहे हैं, सत्तीस बिरादरी का पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे साथ एक बुजुर्ग मतदाता है, आपने राजनीति को करीब से देखा है, मोहम्मद इलियास लंबे समय से राजनीति करते आए हैं, रईसा खान भी यहाँ से विधायक बने हैं, आप किसको पसंद करते हो? एजाज साहब को जी, एजाज को। क्या वजह है कि आप एजाज को या भाजपा को पसंद करते? भाई, इसने, एजाज का फादर ने अच्छा काम किए और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं ये भी अच्छा काम करेगा, इसलिए वो विकास के लिए पसंद करते हैं।
काज करेगा, लड़कों को लगाएगा, हमारी समस्याओं को सुनेगा। हमारे साथ बहुत ही शिक्षाविद हैं, पत्रकारिता भी की है और शिक्षित और एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। अगर हम बात करें तो मेवात और खासकर पुनाना के पिछड़ेपन की क्या वजह आप मानते हैं? पिछड़ेपन की हम खास तौर से बात करें पुनाना हल्के की, तो यहाँ के जो नुमाइंदे अब तक हुए हैं उनमें कोई डेवलपमेंट के प्रति कोई सोच नहीं है, पॉजिटिव सोच नहीं है, न शिक्षा के क्षेत्र में, न सड़क के क्षेत्र में, न सड़कों के मामले में, न स्वास्थ्य के मामले में। मतलब उनका एक ध्येय होता है सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाना, पार्टीबाजी पैदा करना, बाकी डेवलपमेंट का कोई सोच उनका नहीं है। आजकल जो राजनीति हो रही है, हाथ तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूंगा, कोई बिक्कू बैल कह रहा है या कोई कुछ अपशब्द और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए साहब, ये आदमी की मेंटेलिटी दर्शाती है कौन किस तरह का आदमी। अगर आप डेवलपमेंट की बात करोगे तो लोगों को डेवलपमेंट की बात अच्छी लगेगी, लेकिन आप जब ऐसे खुद एक नुमाइंदे होके, पूर्व नुमाइंदे होके ऐसी बातें कर रहे हो, एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हो, उससे एक आम जनता में अच्छा मैसेज नहीं जाता है। और पूरे हरियाणा में ये वायरल हो रही है ये चीजें, सब चीजें वायरल हो रही है। मतलब पूरे हरियाणा ये सोच रहा है कि यार मेवात के और खासतौर से पुराना हल्के के नुमाइंदे कैसे बना दिए लोगों ने, इनके पास डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है। इन्होंने पिछली बार जब ये विधायक रहे हैं या मंत्री रहे हैं तो इन्होंने अपने टाइम में क्या क्या काम करवाए उनको गिनवाए ना, बजाय इसके गाली गलौज देने के। तो बेहतर तो ये रहेगा भाई डेवलपमेंट काम करें, अपना आगे का स्कोप बताएं कि हम लोगों के लिए ये करेंगे, हमसे ये कमियां रह गई ये पूरा करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि हमारे एजाज भाई जो हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो एक बहुत पॉजिटिव सोच के आदमी हैं, एजुकेटेड आदमी हैं, बड़े शांत और शालीन किस्म के आदमी हैं। तो उम्मीद है कि अगर जनता उनको मौका देती है बीजेपी के टिकट पे तो इंशाल्लाह वो बहुत बेहतर काम करेंगे विकास के दृष्टि के हिसाब से। हरियाणा के नूह जिले की पुनाना विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं परेशान हैं। उनका कहना है कि चुनाव के समय तो सरकारें वायदा करती हैं लेकिन बाद में भूल जाती हैं। कहीं ना कहीं महिलाएं महंगाई से भी परेशान दिख रही हैं, बिजली पानी जैसी समस्याओं का भी समाधान नहीं हो पा रहा है। कासिम खान, न्यूज 18, नूह मेवात। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। सभी दलों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। नूह जिले की पुनाना विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां तकरीबन 2,05,000 के आसपास मतदाता हैं। यहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 80% है और 20% हिंदू मतदाता है। इस विधानसभा में दो शहर व कस्बे लगते हैं जिनमें पुनाना और पिनगवा शामिल है। इस समय हम मौजूद हैं पिनगवा कस्बे में, चुनावी चौपाल है, पास में पंडित जी की चाय की स्टॉल है जो काफी मशहूर है, चाय की चुस्की पर यहाँ मतदाता लगातार चर्चा करते रहते हैं। हमारे साथ पिनगवा कस्बे के और आसपास के गांव के लोग हैं, क्योंकि 20-30 गांवों के जो लोग हैं इस कस्बे से, बाजार से उनका वास्ता है, खरीदारी करने के लिए आते हैं, सुबह अपने घरों से निकलते हैं और शाम तक खरीदारी कर अपने घर लौट जाते हैं। कौशल सिंगला जी हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं, यहाँ लगातार समस्याओं को देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। कौशल जी, अगर हम बात करें तो इस इलाके में क्या समस्या है? कासिम जी, समस्या बहुत है इस इलाके में। यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पर कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र ठीक नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र हैं तो उनमें डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं है। और उम्मीद है कि अब इस बार जो सरकार बनेगी वो यहाँ पर कॉलेज भी बनवाएगी और स्वास्थ्य केंद्र हैं जो उनमें बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगी। हमारी तो जो यहाँ सरकार बनेगी उससे यही उम्मीद है। और जो यहाँ पर समस्याएं हैं वो काफ़ी गहरी समस्याएं हैं, रोड नहीं है, रोड भी टूटे हुए हैं और ये सारी समस्याएं यहाँ में बात में है। अब नामांकन हो चुके हैं, सभी उम्मीदवार लगभग सामने हैं, आपको कौन सी पार्टी और कौन सा नेता पसंद है और क्यों पसंद करते हैं? देखो, पार्टी तो हमें बीजेपी पसंद है और हमारे बीजेपी से एजाज खान जी जो पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है, हम तो उसी के साथ हैं और उसी को दिखाएंगे।